रतन टाटा के अलावा एक और इंसान है जिसने टाटा ग्रुप का पूरा गेम ही बदल दिया। कौन और कैसे, आइए जानते हैं। नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि अभी टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने 24 साल की एज में TCS को एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था। उसके बाद 46 के एज में वो टाटा ग्रुप के यंगेस्ट CEO बन गए। उनके लीडरशिप में टाटा ग्रुप के फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग हुए कि 2020 में उनका रेवेन्यू $106 बिलियन का था और 2022 में वही बढ़कर $128 बिलियन तक पहुंच गया। इवन उन्होंने टाटा स्टील का 50,000 करोड़ का लोन भी क्लियर किया। पैंडेमिक में जब सारी कंपनीज बंद थी, तब एन चंद्रशेखरन ने ही टाटा ग्रुप को वापस शुरू किया और 9 लाख एम्प्लॉइज को डिजिटली कनेक्टेड रखा। इवन पिछले साल एयर इंडिया को वापस एक्वायर करने में उनका ही सबसे बड़ा हाथ था। टाटा को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्होंने टाटा डोकोमो और टाटा नैनो के प्रोजेक्ट्स को बंद किया और साथ ही टाटा का सुपर ऐप भी लॉन्च किया। उनकी एक्सेलेंट डिसीजन मेकिंग क्वालिटी की वजह से ही रतन टाटा सर ने उन्हें एज अ चेयरमैन रिकमेंड किया था। एन चंद्रशेखरन आज सबके लिए एक एग्जांपल है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा नाम नहीं बल्कि बड़ी सोच चाहिए।